अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग्रिफन और आप देख रहे हैं ग्रिफन्स पोल्ट्री। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर पे। यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने ब्रॉयलर पाल लिया है, अब ग्रो कर लिया है, इसका अच्छा वेट गेन कर लिया, तो हमने ये चेक करना है कि इसने कितनी एफिशिएंटली ग्रो किया, मतलब कि कितना कम खा के कितना ज़्यादा उसने ग्रो किया, वेट गेन किया। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर का ये मेरी दूसरी वीडियो है, इससे पहले मैं फार्मूलाज पे बना चुका हूँ वीडियो, उसके लिंक से डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लिंक में जाके वो वीडियोज़ देखिए और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आता है यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर का फार्मूला, इसका फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आता है यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर, लिवेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय FCR मल्टीप्लाई बाय डे एट मार्केट। लिवेबिलिटी ये चीज़ होती है कि कितना बर्ड आपका लाइव है, मतलब कि जितनी मोर्टेलिटी होगी है उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास लिवेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ लिवेबिलिटी परसेंटेज चाहिए, मतलब कि 100 में से कितने बर्ड मर गए हैं और कितने बच गए हैं, तो हमने परसेंटेज में लेना है और इसको एवरेज बॉडी वेट, मतलब जो वेट हमारा केजी में आएगा उसको केजी में लेना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और FCR को कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप विजिट करें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और FCR की कौन सी टाइप्स होती हैं और ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो डे एट मार्केट मतलब कि जिस जो जितने दिन का चूज़ा है हम और जितने दिन पे उसे हम सेल कर रहे हैं तो वो डे एट मार्केट है। लिवेबिलिटी क्या होती है, टोटल बर्ड्स माइनस मोर्टेलिटी, जितनी आपकी मोर्टेलिटी हुई है उसको अपने उसमें टोटल बर्ड में से उसे माइनस कर देना तो हमारे पास लिवेबिलिटी आ जाएगी। और लिवेबिलिटी परसेंटेज कैसे निकालनी, क्योंकि हमें यहाँ लिवेबिलिटी परसेंटेज चाहिए, तो लिवेबिलिटी परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला क्यों यूज़ होता है, ये फार्मूला इसलिए यूज़ होता है कि हमने ब्रॉयलर तो ग्रो कर लिया है और इसकी एफिशिएंसी हमें निकालनी है, मतलब कि अपने पूरे फ्लॉक की परफॉर्मेंस निकालनी है वो कितनी होगी, और परफॉर्मेंस से पूरे फ्लॉक की निकालने के लिए हम यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं और इसको हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी फैक्टर भी कहते हैं। इसको अब एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है और इसका कितना होना चाहिए और कितना ये बेटर होता है। सबसे पहले हमारे पास 3% मोर्टेलिटी हुई, उसको हमने 100 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 97% लिवेबिलिटी। और हमारा सपोज के हमारा जो वेट है वो 2.5 kg है, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। और सपोज हमारे पास जो FCR है वो 1.5 है और हम 35 दिन पे इसे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर क्या आएगा, जब 97 को हम 2.5 kg से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24,250 आ जाएगा, मतलब कि इतने kg वेट आ जाएगा। और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे, 1.5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3.35 से, जो आंसर आएगा, मतलब कि जो आंसर आया है हमारा 52.5, उसको डिवाइड कर देंगे 24,250 पे, 24,250 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462। ये जो 400 के करीब करीब होता है ये अच्छा होता है, इसका ये मतलब होता है कि हमारा फ्लॉक प्रोडक्टिव रहा है, इसे जितना नीचे आता जाएगा वो उतना ख़राब होता जाएगा। ये थी आज की मेरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, फार्मूला आपके काम का है, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, आपको इसका आंसर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।